चिचोड़ागढ़, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। जितना सुंदर ये मंदिर है, उतने ही सुंदर हैं इस मंदिर से दिखने वाले नज़ारे। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के हैरान कर देने वाले रहस्य। तो हेलो दोस्तों, मुझसे मिलिए, मेरा नाम है अनुज यादव और मैं आज आप लोगों को लेके जाऊंगा मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर, सबसे अच्छे और सबसे भव्य शिव मंदिर के दर्शन कराने। तो रास्ता शुरू होता है। यह मंदिर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो यार, ये सामने रहा हमारा चिचोड़ागढ़ महादेव का मंदिर। अभी महादेव बादलों के पीछे हैं। यहाँ हर समय वेदर बदलता रहता है, अगर जैसा इस समय वेदर और वैसे मुझे वहाँ जाके मिलेगा तो भाई ये मेरा जो दूसरा ट्रिप है, मुझे लगता है ये सफल होगा, सक्सेस होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा ही वेदर मिले जिसमें मैं भगवान महादेव जो बादलों के ऊपर है उन्हें वैसा ही शूट करूँ जिससे वो। जो मैंने एरिया दिखाया ना, ये डीपी का एरिया है और यहाँ से ये पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है जहाँ लिखा है चिचोड़ागढ़ मंदिर। तो यहाँ पे आने के बाद जो सीढ़ी यहाँ से नीचे साइड जा रही है ना, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो कोई भी व्हीकल पचमढ़ी से गुप्त महादेव मंदिर पार्किंग तक आती है। इस मंदिर के साइड से जो रोड जाती है, वही रोड डीपी होते हुए आपको पहली पारी तक पहुंचाएगी। यार 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे, हल्का सा पसीना सूख जाए। अब आप सोचोगे कि ये मैं कहाँ आ गया, मैं तो मंदिर के बारे में बता रहा था। तो बात कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, ये जो एरिया है ये पहली पारी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ये सबसे पहली जगह, यहाँ से सीढ़ी चढ़ना लोग स्टार्ट करते हैं। और ऐसी चिचोड़ागढ़ में टोटल करीब 1500 से 1800 सीढ़ियाँ हैं, सुन के घबराओ मत। तो ये पीछे जहाँ तक सीढ़ियाँ दिख रही ना, ये 250 सीढ़ी का एरिया कहलाता है। यहाँ से टोटल ऊपर तक कंटिन्यू 250 सीढ़ियाँ हैं। तो कंटिन्यू 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद मेरी एनर्जी हो जाती है डाउन, तो इस समय नींबू पानी से बढ़िया और क्या ही होगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि हर थोड़ी देर में यहाँ पे वेदर चेंज होता रहता है, तो पहले तो मौसम खुला था, अब देखो कैसी बदली हो गई। तो मैं यहाँ बैठ के इंतजार करता हूँ मौसम खुलने का, क्योंकि यहाँ के नज़ारे हैं वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
अभी मंदिर की ट्रैकिंग बहुत बची है और ये ट्रैकिंग सिर्फ मैं अकेला पूरी नहीं कर रहा। कितना ट्रिप मारा? जो मिला के दो ट्रिप हो गए। हाँ। तो कितना ट्रिप हो गए तुम लोगों के? चार कंप्लीट। अब आप सोचोगे कि ये लोग कौन है और मैं इनसे ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। भैया हम नांदिया के आगे पढ़ते हैं, 2.5 किलोमीटर दूर है भुरागत बिजोरी, वहाँ से आते हम और दिन में तीन ट्रिप लगाते हैं। और हमसे पहले भी हमारे पापा वगैरह और हमारे पापा के पापा भी उन भी यही काम करते थे और उन्होंने ये सीढ़ियाँ बनाए हैं और उन करते थे और आज हम भी कर रहे हैं। आकाश से भी ऊंचे इस शिव मंदिर का निर्माण इन मजदूरों ने पीढ़ी दर पीढ़ी किया है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी इन्हीं के द्वारा संभव हुआ है। शिवालय जैसे भगवान शिव का एक घर हो। यहाँ की ऐसी मानता है कि चौड़ा बाबा ने यहाँ पे भगवान शंकर के लिए तपस्या की थी और शिव जी ने उनको आकर दर्शन दिए थे। भगवान शिव की तपस्या कर इस जगह पे चौड़ा बाबा ने उनके दर्शन किए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ अपना त्रिशूल छोड़ा था, इसलिए कोई भी भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पे यहाँ त्रिशूल चढ़ाने आता है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। तो देखो ना, ये मंदिर जो है मेरे जस्ट पीछे, पर कोहरा इतना ज्यादा है कि मंदिर भी साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मैं यहाँ खड़े होके मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से मौसम साफ हो, और आप यकीन मानो थोड़ी देर में कुछ ऐसा होता है। और भाई साहब एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल। तो थोड़ी ही देर में धूप निकल जाती है और बदली भी हटने लगती है। और दोस्तों, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था जब मैं अपनी लाइफ का सबसे अच्छा ड्रोन शॉट ले रहा था। अंत नहीं है, मैं निकल पड़ा हूँ अपने दूसरे सफर की तरफ। चढ़ गया फाइनली ऊपर।